टाइगर थ्री वन ऑफ दोज मूवीज़ इट वर ग्रेट बट डि नॉट सक्सीड वेरी वेरी वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस लेकिन फिर भी बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके का नंबर इसका आ गया क्लोज टू फाइव हंड्रेड क्रोज वर्ल्ड वाइड फोर uh, सेवेंटी सेवन करोड़ रुपीज़ के आसपास इसने बिजनेस किया बहुत अच्छा बिजनेस किया uh, जो इसके अंदर लेसन था हाउ टू कैंड ऑफ एंड द वॉर विथ पाकिस्तान इवेंचुअली कुछ तो एंड होगा इसका uh, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया था एक्शन बहुत ज़बरदस्त था uh, कैमियो की बहुत तारीफ हुई थी जिसके अंदर शाहरुख खान थे और uh, ये भी बोला गया कि यार टाइगर जो है थोड़ा सा इतना ज़्यादा

और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने जो ऑफ लेटली अभी कुछ मूवीज देखी होंगी एक्शन मूवीज़ और ये सब चीज़ें उससे यह बेटर मूवी है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ वी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया मेरे लिए जो ये विनर इसलिए थी क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट दिखाया गया है हाउ डू यू एंड द वॉर विद योर नेबर्स राइट एंड इवन इफ यू आर नॉट एंडिंग द वॉर लेट से वॉट इज दैट सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू शुड हैव तो वो यहाँ पर दिखाया गया जिसके अंदर भारत जो है वो एज लेके चलता है क्योंकि यहाँ का जो स्पाई है सिर्फ वो ही ये चीज़ अचीव करवा के दे सकता है इंडिया को वैसा कुछ दिखाया गया है बाकी जो अदर आर्टिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे हैं बट एक बात तो साबित हो गई यहाँ पर कि सलमान खान का जो और है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको किसी और की जरूरत है नहीं मूवी के अंदर तो अननेसेसरी कैम्यूज वैम्यूज डाल के कुछ और ज्यादा वैल्यू एड होता नहीं है टाइगर जैसी मूवी के अंदर बाय बाय